स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज रामायण के अरण्यकांड के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रसंग संख्या 16 का उल्लेख करेंगे। आज रामायण अरण्यकांड का लास्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि अरण्यकांड पूरा हो चुका है। कल से नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संतों के लक्षण और सत्संग भजन के लिए प्रेरणा। तारांकन जे न भजी यस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनु राम विज्ञान विसारद। तू भावार्थ, जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशाख श्री राम जी, सुनिए। तू तारांकन संतन के लक्षण रघुबीरा, कहू नाथ भव भंजन भीरा। सुनू मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन ते मैं उनके बस रहूं। श्री भावार्थ, हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। श्री तारांकन शत विकार जित अंग कामा, अचल अकिचन सुचि सुख धामा, अमित बोधनी अमित भोगी, सत्य सार कभी कोबित जोगी। फोर भावार्थ, वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन छह विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। फोर तारांकन सावधान मांद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। पाँच भावार्थ, सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। पाँच दोहा, तारांकन गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह। पैतालीस भावार्थ, गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। पैतालीस चौपाए, तारांकन निज गुण श्रवण सुनत से कुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षही। सम शीतल नहीं त्यागी नीति, सरल स्वभाव सबही सन प्रीति। वन भावार्थ, कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वन तारांकन जब तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। टू भावार्थ, वे जब तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। टू तारांकन बिरती विवेक बिने विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दम मान मत कर ही न काओ, भूली न देही कुमार पाओ। थ्री भावार्थ, तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। श्री तारांकन गावही सुनी सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रत सीला, मुनि सुनू साधुन के गुण जेते, तही न सिखी सादर श्रुति तेते। फोर भावार्थ, सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। फोर छंद, तारांकन कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाय बार ही बार चरणन ही ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंगरे। भावार्थ, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते, ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गए हैं। दोहा, तारांकन रावनारी जसु पावन गावही सुनी जे लोग, राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। 46 का भावार्थ, जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। 46 का तारांकन दीप सिखा सम जुबती तन मन जनी होसी पतन, भाजी राम तजी काम मत कर ही सदा सत्संग। 46 का भावार्थ, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा न बन, काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर।
46 ख मास पारायण 22वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वस्ने तृतीय सोपान समाप्तः। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आशा करते हैं सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।